हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आज हम जानकारी लेंगे, उसमें है ये टाटा यस। टाटा यस इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके अंदर जितना भी लाइट्स है, जो सिम्बल्स है, उसके बारे में आज जानकारी ले लेते हैं। अब ये सामने दिखने वाला जो क्लस्टर है, डैशबोर्ड मीटर है, उसके अंदर का बहुत सारा लाइट जुना भी है और नया लाइट भी उसमें एक्स्ट्रा ऐड होके आ गया है। जो नया लाइट्स है या जो पुराना लाइट है उनको भी अलग नाम से जाना जा रहा है, उसके बारे में आज हम देख लेते हैं। तो ये जो पहला लाइट है वो ईवी सिस्टम टेम्परेचर हाई का लाइट है। इग्निशन ऑन करने के बाद ये सिंबल जलता है। अगर ये गाड़ी का मोटर इंजन गर्म होता है तो ये सिंबल बजर के साथ ब्लिंकिंग करते रहता है, तो उस वक्त गाड़ी को नज़दीक के ऑथराइज वर्कशॉप में दिखाना ज़रूरी है। और इस लाइट को जो पुराना नाम था वही है, लो ब्रेक फ्लूड इंडिकेटर के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये जो लो फ्यूल लैंप वाला लाइट दिखा रहा है उसमें थोड़ा सा बदल हो गया है, उसमें चार्जिंग का पिन दिखाया गया है। ये लाइट जब गाड़ी के हाई वोल्टेज वाली बैटरी डाउन हो जाएगी तब ये लाइट दिखाना चालू करेगी, उस टाइम हमें गाड़ी को चार्ज करना ज़रूरी है। बैटरी लो, लो बैटरी इंडिकेशन हो गया है इसका नाम। इसके बाद वाला जो लाइट है वो ड्राइवर सीट बेल्ट का लाइट है, वो तो पुराना ही है। उसी के बाजू में अब ये बैटरी वाला लाइट है, वो जो गाड़ी में छोटा जो 12 वोल्ट का बैटरी लगता है उसी के बारे में ये लाइट इंडिकेशन देता है। ये लाइट अगर कंटिन्यूसली जलेगा तब समझना है कि लो वोल्टेज सिस्टम वाली जो बैटरी है उसके सिस्टम में कोई ख़राबी आ गई है, तो आपको नज़दीक के ऑथराइज वर्कशॉप में दिखाना ज़रूरी है। अब क्लस्टर के अंदर ये वाला जो नया लाइट आ गया है उसे बैटरी मोटर कूलेंट लो वाला इंडिकेटर बोला जाता है। ये इंडिकेटर कूलेंट का लेवल कम हो जाएगा तो कंटिन्यूसली जलना चालू होगा, तब हमें नज़दीक के ऑथराइज वर्कशॉप में दिखा के कूलेंट टॉपअप कर लेना ज़रूरी है। अब ये नया इंडिकेटर आ गया है PWR, इसका मतलब होता है पावर जोन इंडिकेटर। ये पावर जोन इंडिकेटर ये है, ये तब ऑन होगा कि गाड़ी को अधिक मात्रा की पावर की ज़रूरत है। ज़्यादा देर तक इस जोन में हम गाड़ी को चलाएंगे तो गाड़ी की बैटरी जल्दी जल्द डिस्चार्ज हो सकती है, ज़रूरत के हिसाब से इस मोड को हमें चलाना है। अब ये इंडिकेटर आता है इको मोड का। ये इंडिकेटर तब ऑन होगा ड्राइवर जब इस मोड पर गाड़ी चलाएगा तब हाई वोल्टेज बैटरी ज़्यादा देर तक चलेगी, मतलब माइलेज भी हमें अच्छा मिलेगा, तो गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा इको मोड पे चलाना बेहतर होगा। अब ये आता है ये रीजन मोड। रीजन मोड में जितना हो सके हम इस मोड पर गाड़ी चलाएँगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी का हमें एवरेज मिल पाएगा। इस मोड पर गाड़ी ऑटोमेटिक चार्ज होती रहती है। अब ये वाला लाइट है ईवी सर्विस इंडिकेटर का। ये इंडिकेटर गाड़ी की हाई वोल्टेज सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट आया तो ये इंडिकेटर जलना चालू होगा, तब गाड़ी को हमें ऑथराइज सर्विस सेंटर में दिखाना ज़रूरी है। अब ये इंडिकेटर इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो क्रिटिकल फॉल्ट आता है उसी के लिए दिया है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में हाई वोल्टेज सिस्टम में कोई क्रिटिकल फॉल्ट आया तो ये इंडिकेटर जलना चालू होगा। जब इग्निशन को चालू करेंगे तो कुछ सेकंड के लिए ये लाइट ऑन होगी, बाद में बंद हो जाएगी। अगर ये लाइट जलती रहे तो आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर में गाड़ी को दिखाना ज़रूरी है। अब ये लाइट है जो हाई वोल्टेज बैटरी चार्ज इंडिकेटर वाला। ये वाला इंडिकेटर हाई वोल्टेज बैटरी चार्जिंग का स्टेटस हमें बताते रहता है। ये लाइट अगर ऑन होए तो समझना चार्जिंग कंप्लीट हो गई है। चार्जिंग होते समय अगर ये लाइट इंडिकेटर ब्लिंक करते रहता है तो समझना ये गाड़ी का चार्जिंग हो रहा है। और ये जो लाइट है वो पुराना इमोबिलाइजर के जैसे ही काम करेगा। इसके आगे आता है ये रेडी। रेडी ये ग्रीन सिग्नल है। जब ये इंडिकेटर आएगा तो समझना है कि गाड़ी को चलाना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जितनी ये चीज़ें मुझे पता चली है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, पर आप गाड़ी के साथ जो आपको आपके लिए एक ऑपरेटर सर्विस बुक मिलता है उसको आप ज़रूर फॉलो करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।